जय हिंद दोस्तों वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस जो कहा वो करके दिखाया जी हाँ दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि 10 जनवरी से पहले पहले यूपी पुलिस में दोस्तों भर्ती आप सभी के बीच में आ जाएगी लेकिन आप सभी ने प्रिंस को दोस्तों यहाँ पर झूठ ठहराया और बोला कि भाई तुझ पर कुछ नहीं पता है तुझे कुछ पता ही नहीं है वैकेंसी आएगी नहीं क्योंकि मेरे पास दोस्तों गालियाँ भी आती थीं लगातार मैं सुनता रहा मुझे भरोसा था कि वैकेंसी जरूर आएगी और आज दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है अपनी आंखों से जो हेटर थे ना जो मुझे गाली देते थे कि बोल कि भाई तू पागल हो गया कि वैकेंसी आएगी नहीं तो अपनी आंखों को खोलकर और अपने कानों को खोलकर थोड़ा सुन लीजिए कि मैं यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा हूँ जी हाँ दोस्तों किसी को इतना भी दोस्तों बदनाम नहीं करते कि वो दोस्तों आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आप लगातार उसे बदनाम कर रहे हैं सबसे पहले तो आप यह देखिए ऑफिशियल नोटिस तक देखिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है यहां पर आप चेक करिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस छब्बीस एवं फायरमैन के एक पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से निविदियाँ आमंत्रित किए जाने के संबंध में ठीक है ये यहाँ पर नोटिस आया है और नोटिस दोस्तों देखिए कब आया है आप अपनी आंखों को थोड़ा खोल कर देखिए जो लोग बोलते थे कि प्रिंस तुझे कुछ नहीं पता है तो खुद दोस्तों देखिए आप सभी के बीच में सात तारीख है भाई आज यानी आचार संहिता से पहले पहले वैकेंसी आई या नहीं आई वो मुझे आप बता दीजिए तो दोस्तों देखिए अब आपका जो सबर का बांध टूट रहा था ना पहले की सर वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है तो अपनी आंखों को थोड़ा चौड़ा कर जूम करके देखिए इस वैकेंसी को क्या यह वही वैकेंसी जो मैंने आप सभी को बताई थी क्या वही छब्बीस हजार पद मैंने आपको बताया वही आए हैं या नहीं आए और जो लोग फालतू में कमेंट करते थे ना कि वैकेंसी नहीं आएगी तो पागल हो चुका है तू फर्जी वीडियो बनाता है तुझे कुछ नहीं पता है वैकेंसी नहीं आएगी लिख के ले ले सौ परसेंट शर्त लगा ले पांच हजार रुपये की शर्त लगा ले दस हजार रुपये की शर्त लगा ले तो वो लोग बस कुछ ना करें चुल्लू भर पानी ले और उसमें क्या करना है वो आप जानते हैं आगे बस इतना ही कहूँगा उन हेटरों से जो जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर मुझे बस फालतू में बोला था कि भाई तुझे कुछ नहीं पता है उन लोगों से मैं यही कहूँगा क्योंकि भाई मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ उन लोगों से कि भाई बिना पूछे जब आपको कुछ जानकारी ना हो ना तो फालतू फालतू में दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश ना करें क्योंकि आप जो लोग हैं ना वो बिना सोचे समझे जो बोलते हैं ना वो आपकी गलती होती है ठीक है तो देखिए यहां पर छब्बीस हजार दो सौ दस पद तो ये हैं और एक सौ बहत्तर पद ये हैं ठीक है, है? यानी दोस्तों छब्बीस हजार तीन सौ बयासी पद यहां पर रहने वाले ठीक है क्योंकि भाई एक सौ बहत्तर ये है और छब्बीस हजार दो सौ दस ये है ठीक है तो आप सभी देखिए कब से आपके आवेदन शुरू होंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं देखिए पर क्या लिखा है लिखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के छब्बीस हजार एवं फायरमैन के एक सौ बहत्तर पदों को सीधी भर्ती दो हजार इक्कीस को भर जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्थाओं ने दिनांक सत्ताईस एक दो हजार बाईस को समय साढ़े बारह बजे अपरां तक अपनी निवेदन बोर्ड को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है उक्त भर्ती बोर्ड की लिखित परीक्षा संपन्न कराई जाएगी देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा क्या है यहाँ पर आगे भी लिखा है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि छब्बीस हजार दो सौ दस एम फायर के एक सौ बहत्तर पदों की सीधी भर्ती दो हज़ार किस को भरे जाने के लिए ओपर डेट के माध्यम से सक्षम कार्यकारी कार्यदायी संस्थाओं को निवेदन प्रस्तुत करने के लिए दोस्तों ये बात कही गई है यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी है ये देखिए थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है अगर इंग्लिश आती है तो पढ़िए नहीं आती थोड़ा नीचे चलिए तो हिंदी में भी आपको मिलेगा नीचे ठीक है देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे सारा कुछ लिखा हुआ है ठीक है और ये हिंदी में लिखा हुआ है ऊपर नीचे थोड़ा नीचे आएंगे तो हिंदी में भी लिखा होगा ठीक है हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ ठीक है ताकि आप ये बोले भैया क्या फालतू तो दिखा रहा है भाई वो तो दिखा दिखाना वैकेंसी के बारे में क्या चीज़ है क्योंकि भाई इंग्लिश ऐसे लोग हैं इंग्लिश भाई हिंदी मीडियम वाले लोग हैं तो हिंदी में दिखाना पड़ेगा या हिंदी में है या नहीं है वो पहले मैं चेक कर लेता हूँ ठीक है हिंदी में है या नहीं है चलिए दोस्तों हिंदी में है नहीं ठीक है कोई टेंशन नहीं है हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कोई टेंशन नहीं ऊपर ऊपर दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ था नीचे जो टोटल है वो दोस्तों इंग्लिश में है टोटल दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है ठीक है ये देखिए यहां पर लेता है दोस्तों है लि क्या लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है देखिए दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर प्रोपेजल रिक्यूमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस एंड फायरमैन दो हजार इक्कीस ठीक है यहां पर सात जनवरी दो हजार बाईस को ये है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ठीक है इसमें सेक्शन वाइज ये कहें आपके इसे पढ़िए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखा है ठीक है तो छब्बीस हजार तीन सौ बयासी तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आप सभी की ये देखिए ठीक है ये तो आप सभी को पता है और पार्ट वन में दोस्तों क्या लिखा है वो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन देखिए दोस्तों क्या लिखा है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है देखिए अबाउट uh, बीस लाख कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम यानी दोस्तों इस एग्जाम में कम से कम 20 लाख जो अभ्यार्थी वो पार्टिसिपेट करेंगे यानी इस बार दोस्तों उनका मानना यही है ठीक है और देखिए आगे क्या लिखा है डी पी एस टी वगैरह ऑफलाइन वगैरह होगा दोस्तों आप सभी का जो एग्जाम है और देखिए दोस्तों यहां पर जो है आप सभी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फोर पार्टिसिपेटेंट यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सब कुछ आप चेक कर पाएंगे देखिए पार्ट सेकंड में लिखा हुआ है लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब दोस्तों आवेदन कब से शुरू होंगे आवेदन कब से शुरू होंगे तो कांस्टेबल सिविल पुलिस के दोस्तों इसमें आवेदन जो है वो देखिए छब्बीस हजार दो सौ दस है और मेल फीमेल दोनों इसमें शामिल है और फायरमैन के जो है एक सौ बहत्तर है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट छब्बीस हजार तीन सौ बयासी है ठीक है तो अब थोड़ा नीचे चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कब से आवेदन शुरू होंगे देखिए ये है हमारा दोस्तों शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज ठीक है यानी लास्ट डेट ऑफ सत्ताईस एक दो हजार बाईस साढ़ा बारह बजे डेट ऑफ ओपनिंग टेक्निकल बिड्स सत्ताईस एक दो हजार बाईस दोस्तों इसकी यहां पर सत्ताईस एक दो हजार बाईस को आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है देखिए ये सब कुछ लिखा गया है थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों और देखते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी क्या है हमारे पास देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों बीस लाख ऑफलाइन ओ एमआर बेस्ड एग्जामिनेशन बीस लाख यानी इसका मतलब ये है कि बीस लाख जो इसमें आवेदन है उसे उम्मीद हो जाता है यानी कितने आवेदन शुरू हो सकते हैं इसमें ठीक है और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी के बारे में क्या लिखा है थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी आ चुकी है यहाँ पर देखिए डिटेल्स आप देख सकते हैं क्राइटेरिया वगैरह आपको लिखा हुआ है यानी ये आपका एज में इलेक्शन के बारे में बताया गया है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ठीक है यानी आपको यहाँ पर अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे ठीक है ये बात इसमें कही गई है सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं भाई सारा कुछ चेक कर सकते हैं बिल्कुल आप सभी के सामने ऑफिस नोटिस है और इसको आप जो है मैं सारा नोटिस तो आपके सामने पढ़कर नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो नंबर आप सभी के सामने आए हैं वो आप यहाँ पर सब चेक करिए ठीक है, है ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी की जो है ये देखिए एन हैं यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे आप सभी के बारे में इसमें दोस्तों बताया गया कि आपको कितनी छूट मिलेगी एज में ठीक है वो सब इस बारे में बताया गया है लेकिन थोड़ा नीचे चलते हैं इसके बारे में इसमें क्या बदलाव हुआ है वो देख लें मैंने भी दोस्तों फिलहाल अभी इसको ओपन किया है बिल्कुल अभी मेरे पास नहीं आई थी और जस्ट दोस्तों में वीडियो बनाने यहाँ पर लग गया ठीक है हाँ थोड़ा नीचे चलते हैं इसके बारे में और देखते हैं और क्या बात की गई डॉक्यूमेंट के बारे में बात की गई है ठीक है वो सब आपको पता होगा डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है इसमें जो पहला डॉक्यूमेंट था वही चीज़ है यहाँ पर दोस्तों आगे चलते हैं देखिए ओवरऑल टर्न ओवर ऑफ एजेंसी इन करोड़ ठीक है ये लिखा हुआ है इसमें भाई ये तो पूरा अपना टर्न ओवर दिखा रहा है इसमें क्या क्या चीज़ है ठीक है तो नीचे तो कुछ नहीं है साथ ज्यादा खास नहीं है लेकिन वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पर आप देखिए सारा कुछ इसमें लिखा गया क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ इसमें लिखा गया है और अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी को आगे ठीक है थोड़ा सा आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं और अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ वैकेंसी आ चुकी है तो अब आपको दोस्तों जरूरत होगी बुकों की कि भाई बुक कौन से पढ़े तो उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है चक्सु पब्लिकेशन की जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 2022 की जो वैकेंसी आई है अभी अभी उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों चक्सू पब्लिकेशन की इसे दोस्तों आप ले सकते हैं जिसमें आपको पांच सोलह मिल जाते हैं और तीन हजार दोस्तों प्रश्न देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों इस बुक को आप जरूर परचेस कीजिएगा इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है वहां से सिंपल दोस्तों आप इसे परचेस कर सकते हैं और दोस्तों इसके बारे में बता दूं एक प्रैक्टिस सेट तो गाइड को दोस्तों आप लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं राइट हैंड में इसका प्रैक्टिस सेट है तो दोस्तों गाइड में आपको तीन हजार क्वेश्चन और पांच मिल जाते हैं और प्रैक्टिस सेट में आपको दस प्रैक्टिस सेट और आठ दोस्तों सौ रुपये मिल जाते हैं तो दोस्तों इन दोनों बुक का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है वहां से आप इन्हें परचेस कर पाएंगे अगर आप इन्हें ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन दोस्तों नजदीक बुक से परचेस कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों धमाका हो चुका है भाई यहाँ पर उन लोगों के लिए जो बोल रहे थे बार बार की वैकेंसी नहीं आएगी वैकेंसी नहीं आएगी तो आखिरकार दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी को सत्ताइस तारीख का वेट करना है और सत्ताईस तारीख तक दोस्तों यहाँ पर जो सत्ताईस तारीख लिखी हुई है यहाँ पर दोस्तों देखिए साढ़े बारह बजे से यहाँ पर बोर्ड को में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है उक्त भर्ती की ऑफर लिखित परीक्षा संपर्क कराई जाएगी यहाँ पर दोस्तों आप सब कुछ देख सकते हैं भाई यहाँ पर लिखा किया गया है सब कुछ आप सभी के सामने है वो पढ़ सकते हैं जो भी कुछ आपके सामने यहाँ पर लिखा है तो दोस्तों यही था आज अच्छा का पूरा वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया और दोस्तों ये तो खुशखबरी है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है थैंक यू वेरी मच